सन 1853 में कोलकाता से मॉरिसस गए बिहार के रहने वाले बद्री नाम के एक शख्स के पैतृक गांव की तलाश में मॉरिसस से भारत पहुंचे हैं। 166 साल बाद वह भारत आकर पटना के फुलवारी थाना क्षेत्र में अपने पैतृक गांव की माटी को तलाश रहे हैं। फुलवारी शरीफ थाने में हेमांद्र बद्री और उनके साथ उनकी पत्नी विद्यावती हैं। यह अपने साथ बद्री नाम के पूर्वजों की तस्वीर लेकर अपने पूर्वजों के गांव की तलाश में फुलवारी शरीफ पहुंचे हैं। मॉरिसस में रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर हेमानंद और उनकी पत्नी विद्यावती मॉरिसस से फुलवारी शरीफ पहुंचकर अपने पूर्वजों के गांव को तलाश रहे हैं। हेमानंद मॉरिसस में पुलिस निरीक्षक के पद से रिटायर हुए हैं। उनकी पत्नी विद्यावती भी एक सरकारी नौकरी करती हैं। हेमानंद के परदादा बद्री 1853 में गिरगिटिया मजदूर के रूप में कोलकाता से मॉरिसस गए थे। बद्री वापस अपने वतन नहीं लौट सके तो वहीं पर घर बसा लिया। हेमंत कहते हैं कि जब उन्हें मॉरिसस में यह पता चला कि उनके पूर्वज भारत से आए थे तो उन्होंने पूर्वजों का गांव देखने की जिज्ञासा जाहिर की, जहां उनका दोस्त उन्हें मॉरिसस स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी ले गया। पता चला कि उनके परदादा पटना जिले के फुलवारी परगना और दीनापुर गाँव के थे, जो वर्तमान में फुलवारी शरीफ से लेकर दानापुर तक होने की बात बताई जाती है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पूर्वजों के परिवार का कोई मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ये मॉरिसस से आया हूँ। मेरे परदादा यहाँ से आए थे 1853 में मॉरिसस आए थे यहाँ से। उसका मेरा नाम बद्री है। मैं भी यहाँ आया हूँ इसको ढूँढने। अगर कोई इसे देखे पहचाने तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। इनके साथ है, बस जो भी है यहाँ आप आगे आइए और हमें बनाइए। खोजने आइए। क्या लगता है कि खोज पाएंगी लोग? हाँ जरूर, अगर है तो आपको सहायता मिलेगी। आपको बहुत सहायता किया हमें यहाँ पर, तो प्लीज़ हो सकता है मिल जाएंगे। हालांकि अभी भी तलाश अभियान जारी है। बद्री को अंग्रेजी, हिंदी और भोजपुरी का जानकार होने की वजह से ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। वह बीच बीच में हिंदी बखूबी बोलकर अपने पूर्वजों के स्थान की तलाश कर रहे हैं। जो उनके पास कागजात हैं उसके मुताबिक बद्री 1853 में कोलकाता से जूलिया नामक जहाज से मॉरिशस पहुंचे थे। उनके पास बद्री की तस्वीर भी है। News 4 Nation की रिपोर्ट।